हमारा आज का टॉपिक नित्य पूजा में दीपक कौन सा काम में ले, किस चीज का जलाए, कैसी बत्ती होनी चाहिए, इनके संबंध में जानकारी देंगे। आप बखूबी जानते हैं कि सनातन धर्म के अनुसार हमारे शास्त्र कहते हैं कि आप नित्य पूजा में धूप दीप अवश्य करें। तो यहां जो धूप और दीप अवश्य करें का मतलब यह हुआ कि हमें पूजा के लिए दीपक जरूर काम में लेना चाहिए और हम लोग लेते हैं। परंतु सवाल यह है कि दीपक तो सोने का भी बना हो सकता है, चांदी का भी हो सकता है, कांसे का भी हो सकता है, तांबे का भी हो सकता है, पीतल का भी हो सकता है, लोहे का भी हो सकता है और मिट्टी का भी हो सकता है या अन्य किसी धातु का बना हुआ हो। तो सवाल यह है कि हम पूजा में किस मटेरियल का दीपक काम में ले ताकि देवी देवताओं को वो मान्य हो। तो यहां जो उल्लेख मिलता है हमें वह यह मिलता है कि सर्वश्रेष्ठ दीपक तो मिट्टी का ही माना गया है। अब आप देखिए कि कौन सा घर ऐसा होगा कि जो नित्य पूजा में मिट्टी का दीपक लगाता होगा। हम ध्यान दे विचार करें, दिवाली पूजन में मां लक्ष्मी, गणेश जी महाराज और मां सरस्वती तीनों की हम पूजा अर्चना अच्छे लग्न में करते हैं और उस रोज उस पूजा में ना केवल पूजा की थाली में ही मिट्टी का दीपक रहता है बल्कि हम अपने घर को भी मिट्टी के दीपकों से संवारते सजाते हैं। अगर मिट्टी का दीपक शुद्ध नहीं होता, पवित्र नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में हम दीपावली पर क्यों कर मिट्टी का लगाते, क्यों नहीं सब स्टील के लगा लेते। अभी तो बाजार में थोक के भाव लाओ तो शायद 2-3 रुपए में स्टील का दीपक भी मिल जाएगा जो कि मिट्टी के दीपक से सस्ता पड़ेगा और हर दीपावली पर काम भी आ जाएगा। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि मिट्टी से, कच्ची मिट्टी से दीपक बनता है, अग्नि में वह पककर एकदम शुद्ध हो जाता है और ऐसी पवित्र धातु कोई दूसरी, ऐसा पवित्र पदार्थ कोई दूसरा नहीं हो सकता। इसलिए
देवी देवताओं को सबसे श्रेष्ठ मिट्टी का ही दीपक लगता है। यदि संभव हो तो हमें मिट्टी का दीपक लगाना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे कि दूसरी धातु के, दूसरे मेटल के, जैसे ब्रास, आयरन, स्टील, सिल्वर, गोल्ड, इनको तो हम माज लेते हैं, लेकिन दीपक, मिट्टी का दीपक माज कर साफ नहीं किया जा सकता। इसलिए इस बात का ख्याल रखें कि आपको अगर मिट्टी का दीपक पूजा में काम में लेना है तो वह मिट्टी का दीपक हमेशा ही नया लगाना होगा। अब यदि मान लो हम मिट्टी का दीपक नहीं लगाते हैं तो फिर किस दीपक का नंबर आता है? तब उसके बाद में नंबर आता है पीतल के दीपक का। आपको पीतल का दीपक लगाना चाहिए पूजा में। ध्यान रहे कुछ धातु तो विशेष प्रकार की बनी हुई होती है और विशेष देवी देवताओं के लिए होती है। जैसे सूर्य नारायण भगवान की पूजा के लिए संभव है कि तांबे के दीपक को काम में लिया जाए। अगर हम शनि महाराज की कोई पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, तो हो सकता है लोहे का दीपक काम में लिया जाए। लेकिन घर पर हम सर्व प्रथम पूजनीय गणेश जी की पूजा से प्रार्थना शुरू करते हैं, कम से कम 5 देवी देवताओं को हम प्रतिस्थापित करते हैं अपने पूजा कक्ष में और उनकी पूजा अर्चना करते हैं, तो श्रेष्ठ दीपक माना जाता है पीतल का दीपक। अब यहां एक फिर दूसरा प्रश्न आता, वह आता है कि दीपक के लिए, दीपक जलाने के लिए कौन सा द्रव्य काम में ले, मतलब घी या तेल। पहले नंबर पर गाय का शुद्ध घी हो, केवल कार्डबोर्ड के ऊपर लिखने से गाय का शुद्ध घी नहीं हो जाता है, लोहे के डिब्बे पर लिखने से गाय का शुद्ध घी नहीं हो जाता है। अगर आपके घर में देसी गाय हो और आप उस गाय का घी तैयार करते हैं, या आप कहीं से दूध अपने सामने दुहाते हैं गाय का, घर पर लाकर जमाकर घी तैयार करते हैं, जहां विश्वास के साथ आपको गाय का घी मिलता है, आप गाय के घी का दीपक ही लगाएंगे। लेकिन यदि मान लो कि किसी कारण से, जैसे मन नहीं मानता कि वो घी शुद्ध है या नहीं, आप तेल का दीपक लगा सकते हैं, वह भी मान्य है। मैं आपको यह बता दूं, तिल की मान्यता भविष्य पुराण में बहुत बढ़िया तरीके से बताई गई है। तिल का तेल श्रेष्ठ होता है भगवान की पूजा के लिए। आप तिल के तेल का दीपक लगाए। हालांकि हमें कई विद्वान पुरुष कहेंगे और कहते भी है और हम करते भी है, सरसों के तेल का दीपक लगाइए या अन्य कोई तेल का दीपक लगाइए। ये मान्यता है कि जब शनि महाराज की अगर कोई बुरी दृष्टि रहती है तो पीपल को सरसों के तेल का दीपक लगाया जाता है। अगर हमें हनुमान जी की पूजा करनी है तो चमेली के तेल का दीपक ही लगाया जाता है। लेकिन गृहस्थ में जो पूजा घर आपने बना रखा है, नित्य पूजा पाठ आप करते हैं, वहां तेल का दीपक लगाएंगे।
अब हुआ ये कि बात यानी कि जो उसकी बत्ती होती है दीपक की, वो बत्ती किस चीज की हो, ध्यान दीजिए अच्छे से। यदि आप गाय के घी का दीपक लगाते हैं, कॉटन यानी कि कपास, कपास की बत्ती मान्य है, लेकिन यदि आप तेल का दीपक लगाते हैं तो जो रंगीन लच्छा आता है, जिसको हम कलाई पर बांधते हैं, कुछ लोग मोली भी बोलते हैं, उस रंगीन लच्छे की बत्ती बनाएं और वही लगाएं। कब? जब आप तेल का दीपक भगवान को लगाते हैं, पूजा में काम में लेते हैं। अब यहां एक बात और आती है कि घी का दीपक यदि हम लगाए तो भगवान के किधर रखना चाहिए, तेल का दीपक लगाए तो कौन सी साइड में रखना चाहिए, ध्यान रखिए। भगवान जिनकी आप, ठाकुर जी जिनकी आप पूजा कर रहे हैं, अगर गाय के घी का दीपक लगाया है, आप उनके दाहिनी ओर घी का दीपक लगाएंगे, स्वाभाविक है कि आपके बाईं ओर दिखाई देगा वो। और यदि आपने तेल का दीपक लगाया है तो वह उनके बाईं ओर रखा जाएगा, आपको स्वाभाविक है, क्योंकि आप उनके उल्टी दिशा में खड़े हैं, आपको अपने दाहिनी ओर दिखाई देगा। ये दीपक रखने की व्यवस्था हुई। दीपक की बाती कितनी बड़ी रखे? दीपक की बाती मध्यम साइज की ही होनी चाहिए। हम बढ़ते हैं दीपक की बाती, हमेशा ध्यान रखो कि उसमें से जो लो निकल रही है वो हमारी चार अंगुल तक ही ताप दे, केवल इतनी बाती बाहर निकलती हुई और दीपक की होनी चाहिए। यहां एक विशेष बात आपको मैं और बताने जा रहा हूं, और वह यह है कि सामान्यतया 99% घरों में हम जो दीपक लगाते हैं, उसी दीपक से आरती करते हैं सभी देवी देवताओं की, और वही जलता हुआ दीपक वहां रखते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान के जो देवी देवताओं के जो दीपक लगाया वह अलग होना चाहिए, उसे बार बार हिलाएंगे नहीं। और जो आरती करने का दीपक है वह अलग होना चाहिए। आपको मेरे ख्याल से यह औचित्य समझ में आ गया होगा कि आप भगवान को, देवी देवताओं को जो दीपक लगाएंगे वो लगाकर छोड़ देंगे, नैवेद्य वगैरह चढ़ाएंगे धूप दीप देने के बाद में, और जब आरती करेंगे तो आरती का दीपक अलग हो। दीपक लगाया क्यों जाता है? दीपक साक्षात अग्नि देवता का सूचक है, अग्नि की साक्षी में हमने देवी देवताओं का आह्वान किया, पूजा अर्चना की। यहां एक चीज का उल्लेख और देना चाहूंगा कि यदि
सूर्य अस्त, सूर्य उदय से सूर्य अस्त के बीच आप भगवान की पूजा पाठ करते हैं और दीपक नहीं लगाते हैं, तो उसमें कोई अशुभ नहीं होगा। क्यों? कि सूर्य नारायण भगवान साक्षात ऊर्जा का एक स्रोत है, प्रकाश का एक स्रोत है, जो दीपक से कहीं कई करोड़ों अरबों गुना ज्यादा होता है। लेकिन संध्या बाद या सूर्य उदय के पहले अगर हम पूजा अर्चना करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में दीपक प्रज्वलित करके ही पूजा अर्चना की जानी चाहिए। मेरी मान्यता तो यहाँ तक यह है कि चाहे आप दिन में करें, चाहे रात में करें, अग्नि की साक्षी के अंदर आपकी पूजा अर्चना हुई, इसलिए दीपक अवश्य लगाए। अंतिम बात दीपक के संबंध में मैं यह बताना चाहूंगा कि भगवान देवी देवताओं की पूजा की ताक में जो आपने दीपक जलाया है, वह अपने आप ही बुझना चाहिए। आप फूंक देकर नहीं बुझाएंगे। पूजा के दरमियान दीपक बुझना नहीं चाहिए, अशुभ माना जाता है। इन तमाम बातों का यदि हम ख्याल रखेंगे, तो जो नित्य पूजा पाठ हम देवी देवताओं की और ठाकुर जी की करते हैं, उसका एक भाग जो दीपक का है, वह परिपूर्ण लगभग हो जाता है। जय श्री कृष्णा।